ये हमारे साथ है बीजेपी के प्रदेश महामंत्री श्री दीपक प्रकाश जी। सर, ये चाईबासा में जो नरसंहार हुआ है उसके बारे में सर आपका आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश में अपराधियों के द्वारा, उग्रवादियों के द्वारा तांडव का नृत्य हो रहा है। नृत्य यहाँ के लोग आज एकदम हम कह सकते हैं कि बेचारा महसूस कर रहा है। कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। पूरे प्रदेश में हम कह सकते हैं कि जंगल राज और कानून का कोई रखवाला नहीं है। इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। नरसंहार, 6 आदिवासियों का नरसंहार चाईबासा में हुआ है। ये सबसे बड़ी दुखद है घटना है, जो सबसे ज़्यादा आदिवासियों के हित की बात करने वाले उनके राजपाट में पथलगड़ी के सवाल पर पहला कैबिनेट बैठता है और पहले कैबिनेट की बैठक में पथलगड़ी के जो कानून का उल्लंघन करता है, जो संवैधानिक उपबंध का उल्लंघन करता है, उनके कानून उनको राष्ट्रद्रोह मुकदमा वापस किया करने का निर्णय होता है। तो क्यों नहीं मनोबल उनका बढ़ेगा, क्यों नहीं अपराधियों का तांडव बढ़ाने के प्रवृत्ति में ये सरकार आगे बढ़कर काम कर रही है। सर, लोहरदगा में जो कर्फ्यू लगाया वहाँ पर जो कानून की व्यवस्था, उस पर सर आपकी कोई प्रतिक्रिया है? देखिए, सत्ता में बैठे हुए सरकार का एक मंत्री जो एक सत्ताधारी दल का भी प्रमुख है, उसके गुर्गों के द्वारा ये सुनियोजित घटना कराने का काम किया गया है और जिसकी निंदा भारतीय जनता पार्टी करती है। सीए के समर्थन में जब रैली निकलती है तो उन पर हमले हो रहे हैं और सीए के विरोध में जब धरने और प्रदर्शन और रैली निकलती है तो सरकार को संरक्षण देने का काम करती है। कैसी सरकार, ये कौन सी सरकार है जिसने लोकतंत्र पर प्रतिबंध लगाने का काम किया, अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है? सर, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, वो इतने दुखी है कि उन्होंने शपथ ग्रहण भी कैबिनेट का जो विस्तार है वो टाल दिया, अब इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री इन कारणों के चलते नहीं शपथ ग्रहण टाले हैं। टाले इसलिए हैं कि बंधु तिर्की और प्रदीप यादव सोनिया दरबार में जा करके मंत्री बनना चाहते हैं और कांग्रेस के इशारे पर, दिल्ली के इशारे पर मंत्रिमंडल का गठन रुका है। कोई आदिवासियों की हित और हमदर्दी मुख्यमंत्री नहीं कर रहे, ये नौटंकी और घड़ियाली आंसू बहाने का काम ये सरकार के मुखिया बंद करें। सर, प्रदेश अध्यक्ष का कब तक होगा, कुछ इसके बारे में बताने? इसका आंतरिक चीज़ है, केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश का नेतृत्व बैठ करके प्रदेश का अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। सर, बाबूलाल मरांडी जी आपके बहुत करीबी भी रहे, उनके बारे में सर कोई न्यूज आप बताना चाहेंगे? बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करेंगे। तो दीपक प्रकाश जी, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री, इन्होंने हमसे बात की और पार्टी का जो रुख है अभी हाल की घटनाओं पर, उस पर इन्होंने अपने विचार दिए। सर, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।